सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है गाइस आप सभी को फिर से एक और नए ब्लॉग में। अभी 5:30 हो चुका है दोस्तों, अभी बात सुबह अभी तक निकला नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा जो है फॉग वगैरह गिरा हुआ है। तो आज जो है सुबह सुबह मैं निकल चुका हूँ और अभी त्रिशा को अभी दवाई वगैरह पिलाया। दवाई पिलाने के बाद जो है वही सीन सुबह एकदम भाग रही है कि नहीं पीऊँगा दवाई बोल के। तो अभी जीजू का जो दुकानदार वाला जो जीजू है ना, जो एक्चुअली गाइस दुकानदार वाला जो जीजू है वो हमारा रियल जीजू नहीं है, रियल हम लोग का जीजू दो ही है। तो अभी वो भी जीजू है, मतलब एक कजन जीजू होता है वो भी। तो फिलहाल अभी उन्हीं का जो है गार्डन में जाएंगे गाइस। एक्चुअली यहाँ पे लीची होता है ना, जो लेजू बोलते हैं यहाँ पे लीची भी बोलते हैं, उनको एक्सप्लोर करूँगा। लीची वगैरह खाएंगे और लीची वगैरह तोड़ के लेके आएंगे, तो वही दिखाने के लिए जाऊंगा गाइस आप लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो फिलहाल अभी जाते हैं, आज हो गया फ्राइडे में ऊपर के साइड से बाजार में जाते हैं चिलाबुंग में। तो अभी बहुत का साउंड आप लोग सुन सकते हैं, थोड़ा बहुत ही बहुत सुबह सुबह ब्रम 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 ब्रम। अभी गए हम लोग जो है, तो गाँव जो है इस तरफ देख सकते हो, गाँव वहीं पर है, तो ऊपर के साइड में आ चुके हैं। तो इस साइड में जो है अभी जिस लोग जा रहे हैं, मेरा बहुत चाहिए हुआ है। तो अभी बस मैं जो हूँ लीची खाने के लिए आ चुका हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ का लीची कैसा होता है, कैसे होता है। अभी जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं गए, और यहाँ पे हम लोगों ने पानी का बोतल भी लेके आ चुका है, पानी चाहिए होगा हम लोगों को। तो अभी पहुँच चुका है दोस्तों, तो ऐसा ही जंगल जंगल जाए। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जाते समय लेके जाऊँगा गैस लेमन वगैरह, ये लेमन का जूस दे के ना चाय पिएगा ना, काफ़ी अच्छा रहता है। तो जैसे जाते टाइम लेके जाऊँगा, अभी भी छोटा छोटा है, उतना भरा नहीं हुआ। तो जो लोग उस साइड में जा रहे हैं, तो अभी उस साइड में जाना पड़ेगा, काफ़ी बहुत है लेमन। तो यहाँ पर भी है, ये है गैस ऑर्गेनिक पूरा हम लोग का, यहाँ पे कुछ भी चीज़ होता है ना जंगलों का। और यहाँ पे देख सकते हैं पाइनएप्पल भी है, इसको पाइनएप्पल को हम लोग अनास बोलते हैं, अनास चकमा में। ये गार्डन वगैरह मतलब जैसे कि ऐसे फलों का गार्डन, फ्रूट का गार्डन बनाने के लिए ना आपको ये गांव का पास में होना चाहिए, नहीं तो क्योंकि आप लोग को पता है अगर डूब में बनाएगा तो। मेरा एक है ज़मीन काफ़ी दूर है, लगभग 10-12 किलोमीटर दूर होगा, तो वहाँ पे तो गार्डन बनाऊंगा ना थोड़ा सा भी नहीं मिलेगा, पूरा लोग खा जाएंगे, इसलिए मैं नहीं बनाता गैस। और ऐसे पास में होने से मैं भी एक बनाता, आप लोग को ये बोल रहा था फ्रूट का काम था बनाना है तो आपको गार्डन वगैरह तो गांव का पास में होना चाहिए, नहीं तो क्योंकि लोगों का मतलब सोचना वगैरह ऐसा, हर मतलब हर जगह में हर गाँव में हर देश में आपको थोड़ा वो बुरा इंसान भी मिलेगा, अच्छा इंसान भी मिलेगा, इसी कारण जो है लोगों का सोचना अच्छा नहीं रहता है ना, इसलिए वही है गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो लीची है जीजू, वो पेड़ के ऊपर जा चुके हैं। लीची का पेड़ छोटा छोटा होता है ना, एक पेड़ लगभग 200 इससे समथिंग जो है ये बांग्लादेश से लेके आके यहाँ पे हम लोग उगाते हैं। तो ये एक टाइप का बांग्लादेश का लीची मान सकते हैं आप लोग, यहाँ पे अभी इंडिया में हम लोग का रहे हैं। तो कोई कुछ कुछ चीज़ वगैरह जो होता है ना गाइस बांग्लादेश में अच्छा मिलता है, जैसे कि नाव का रिपेयरिंग के लिए बांग्लादेश का चीज़ अच्छा रहता है, वही है। ऐसा नहीं बोल रहा कि हमारा इंडिया में नहीं है, इंडिया में है लेकिन हमारा साथ में नहीं पहुंचता वो वाला, वो ऐसा है गैस। इसका स्किन जो है एकदम पतला पतला सा है, इसको स्किन फेंक दो और खाओ। ये रहा गैस लास्ट में, ये बीज बचता है, ये बीज जो है खा नहीं सकता, सीड्स मान सकते हैं हम लोग। ये उगाने से उगा सकते हैं, बात ये अलग तरीके से मतलब इसको पौधा बनाना होता है, बात पता नहीं कैसे बनाता होगा। अभी मैं भी हेल्प करता हूँ गैस इसको तोड़ने के लिए, बहुत तरह है, इस साइड में भी है, वहाँ पर भी है, यहाँ पर आम का पेड़ भी वगैरह है, और यहाँ पर सुपारी का पेड़ भी है। और यहाँ पर देख सकते हो अभी यहाँ पर लगभग 25 पीस, तो 25 लीची 20 रुपीस ऐसे करके बिकता है। Thank you.
सो गैस हम लोग लगभग आधा घंटा से जैसे एक ही पेड़ अभी उतना अभी कलेक्ट नहीं कर पाया पूरा, अभी और बहुत सारा कलेक्ट करना है तो एक ही पेड़ से आधा घंटा लग गया, अभी बहुत सारा बाकी है गैस। तो वहाँ पे देख सकता है मैंने वहाँ पे कलेक्ट किया है, तो कलेक्ट करके वहाँ पे जो है टुकड़े पे रख रहे और यहाँ पर भी है तो आराम से खा सकता है गैस। मीठा 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 मेरा ये इसमें कुछ हो गया था इसी कारण उतना खा नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे एक डब्बा हो गया है और सबसे ज्यादा ना इसमें लग गया था लीची वगैरह, इतना लीची लगभग दो टुकड़े हो गया था ये वाला। तो ये यहाँ पे एक डब्बा, यहाँ पे एक टुकड़े और वहाँ पे दिख रहा है ना, वहाँ पे भी एक टुकड़े, वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। हसीना हसीना यहाँ पे देखो गाइस ये वाला कितना बड़ा बड़ा है। बीतुल भाई का स्टाइल सभी लोग जो है फॉलो करता है, चिकन हुआ टेस्टी। अभी और एक महीने के बाद जो है ये पाइनएप्पल वगैरह रिसीव हो जाएंगे खाने के लिए, लाइक हो जाएंगे, उस टाइम फिर से पाइनएप्पल खाने के लिए आएंगे। अभी जो लोग जो है वहीं पे कलेक्टिंग कर रहे हैं दूसरी बार है और लगभग आधे घंटे के बाद जाएंगे और जाते टाइम मुझे वो लेके जाना है लेमन और चीनी नमक मिक्सिंग करके क्या है ना, इतना स्वादिष्ट टेस्ट होता है। यहाँ पे देखो गैस ये जो है मैंगो का पेड़ है और मैंगो जो है इसको हम लोग आम ही बोलते हैं, हिंदी में भी आम बोलते हैं, हमारा चाकमा में भी आम बोलता है इसको। और ये छोटा छोटा मैंगो का पेड़ वगैरह ये जो है ना एक्चुअली ये 3 साल में अब उगा हुआ है ना, उसी दिन से 3 साल के अंदर अंदर जो है 3 साल के मतलब कई पेड़ वगैरह जो ऊँचा ऊँचा वगैरह होता है ना वो तो लगभग लग जाता है, अब कम से कम तो 7-8 साल लगेगा उस बड़ा वाला पेड़ में। ये जो है इसको 3 बोझ रही आम बोलते हैं हम लोग, मतलब 3 ईयर्स मैंगो, कितना बड़ा बड़ा है देखो। ये एकदम अभी खाने से एकदम खत्ता भरा होगा, अभी तो खा नहीं सकता होगा, अभी पका भी नहीं है। तो अभी जाएंगे हम लोग, ये लोग जो है बाद में आएंगे, यहाँ पे सुपारी का पेड़ वगैरह वहाँ पे भी आम है, जब भी मैंगो वगैरह पक जाएंगे ना उस टाइम और आएंगे। तो मैं एक टुकड़ी लेके जा रहा हूँ दोस्तों और ये लोग जो है कुछ हांगोंग वगैरह कलेक्ट कर रहा होगा उसका, यहाँ पे हांगोंग वगैरह भी है। तो अभी हम लोग जाएंगे नाव पे जो है हम लोग को वेट करेंगे और यहाँ से जो है मैं लेमन लेके जाऊंगा, वो लाल वाला चाय होता है ना, लाल वाला चाय पीने के टाइम ये लेमन मिक्सिंग करके खाएगा ना काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पे देखो गाइस कितना लेमन है, उस साइड में भी है, यहाँ पर भी है, अभी तक लेकिन छोटा छोटा है, अभी तक उतना अंदर रस उतना हुआ नहीं होगा अभी तक, फिर भी लेके ही जाएंगे 2-3 खाने के लिए। मैं तो लगभग गैस अंदरा लीची खा ही लिया होगा। अभी दोस्तों हम लोग जो है दुकान पे भी पहुंच चुके हैं, तो जीजू लोगों का एक टाइप का दुकान और घर भी मान सकते हैं आप लोग, और अभी घर पे जाऊंगा गैस मैं और यहाँ पे जीजू लोग और यहाँ पे जो है तो एक बंडल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 20 रुपीज करके सेलिंग करेंगे, यहाँ पे लगभग 25 पीस या फिर 24 ऐसा ही होता है तो मैक्सिमम बोल के, तो यहाँ पे है और वहाँ पे भी है। तो मैं जाऊँगा गैस क्योंकि घर में जो है ट्रिशा को भी फिर से दवाई वगैरह लेना पड़ेगा अभी, और यहाँ पे फिडेल हेथान वगैरह और हांगोंग मिल गया है और जीजू ने जो है मुझे यहाँ पे लीची वगैरह दिया है, तो अभी जाएंगे घर में जाके जो है लीची वगैरह भी खाना है। A few moments later. अभी गैस सरस से बात चुका है, लीची वगैरह इतना लीची खाया है ना मैंने, लगभग 100 लीची खाया होगा। तो वैसे आने के बाद जो है मैं कुछ भी किया ही नहीं और दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था गैस, बार बार एक चीज़ दिखाना बोरिंग लगता है ना,
ऐसे घूम घूम के यहाँ पे ब्लॉग वगैरह बनाता, क्योंकि गोभी इतना छोटा ही है। और तेजा को देखो, अभी भी उसका बुखार वगैरह नहीं जा रहा है गैस, तो इसको थोड़ा थोड़ा बुखार रहता है। तो फिलहाल गैस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नहीं हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।